साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित तथा अन्य भर्तियों से संबंधित आज महत्वपूर्ण बात बताएंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए जिससे आपको लाभ मिले तथा ये चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम चलते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। कल परसों 3 दिन मिला हुआ है, अभी रिटर्न आर्गुमेंट देना है। जो सुप्रीम कोर्ट की पहली हम बात बता रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 दिन टाइम मिला हुआ है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। इन तीनों दिनों में अभी रिटर्न जो है आर्गुमेंट देना है, लिखित आर्गुमेंट देना है, अपनी अपनी बातों को। आर्गुमेंट का मतलब हो गया अपनी अपनी बातों को रखना है। जैसे बहुत सारे वकील अभी अपनी बातों को नहीं रख पा रहे थे, तो उन लोगों को अपनी बातों को रखने का मौका अभी भी मिला हुआ है, क्योंकि उस समय नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आती है या टाइम की कम प्रॉब्लम थी, तो टाइम की प्रॉब्लम की वजह से ही जो है जज महोदय ने कहा जिनको भी समस्या है या जिनको भी अपनी बात को रखनी है, अब वो रिटर्न आर्गुमेंट में 3 दिन का टाइम मिला है, उसमें आप रख सकते हैं। तो अब इसमें सभी लोग अपनी अपनी व्याख्या को रखेंगे कि करना क्या है। जैसे उसमें बहुत सारे लोग अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि 72,825 का हम आपको बता रहे हैं, जो लोग दिखाना चाह रहा है 72,825 में कुछ लोग रिटर्न सबमिशन दे रहे हैं और उसमें ये दिखा रहे हैं कि इसमें जब भर्ती हुई थी तो टेट की जो मेरिट ली गई थी उसमें 60% और 65% ली गई थी, इससे नीचे नहीं हुआ था बल्कि इससे ऊपर मेरिट बनी हुई थी, उसी के ऊपर जो है कहा गया था 90-105 के ऊपर काउंसलिंग कराया गया था कि सबको काउंसलिंग करा दिया जाए 90 नंबर और 105 नंबर। तो 90 नंबर माने हो गया 60% और ये हो गया 70%। तो 60% और 70% पे काउंसलिंग कराया था सुप्रीम कोर्ट ने ही कराया था, तो उसमें दीपक मिश्रा जी उसमें चीफ जस्टिस बाद में बने, उसमें जज थे, तो उनके अकॉर्डिंग था कि मतलब क्वालिटी मेंटेन रहेगी, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा, इस तरह की बातें उस समय हुई थी। इसी को कुछ लोग जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में भी उसको बेस बना करके डाल रहे हैं कि क्वालिटी मेंटेन करने की आप ही बात की गई थी, आप ही ने कहा था। उस समय ललित साहब भी थे, तो ललित साहब जूनियर थे और दीपक मिश्रा सर वो सीनियर थे, तो उस समय जब 72,825 की बातें हो रही थी तो उसमें 60% वालों और 70% वालों को काउंसलिंग करा दी गई थी, नौकरी नहीं मिली, मेरिट तो चला गया समझिए कि 80 के करीब थी, जनरल का 115 के नीचे नहीं गिरा और ओबीसी का 112 मेरिट चले गई। ये बहुत धांधली हुई थी उस समय, सबसे ज्यादा अगर धांधली देखा जाए आज तक के शिक्षक भर्ती में तो सबसे बड़ा धांधली जो है 72,825 में हुई, और ये सपा कार्यकाल जब आई है तो 72,825 में प्रत्यावेदन लेती है और उसी प्रत्यावेदन में लगभग मिनिमम मान के चले कि 20,000 लोग जो है उसमें फर्जी घुसा दिया, और आज तक उसकी कोई मार्कशीटें जला दी गई थी, वहां भी जिस प्रकार 68,500 में धांधली हुई थी सेम मैटर सेम 72,825 का हूबहू जो है 68,500 में अपना लिया गया। तो मेरिट जब जज महोदय के सामने बोला गया था कि 90-105 को जितने भी लोग हैं, 97-105 पहले था बाद में 90-105 किया गया, तो 97-105 जब कहा गया तो उसमें सरकार ने कहा था कैंडिडेट इसमें पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो उसने मेरिट डाउन कर दिया कि जाके 90-105 करके लाओ। फिर भी जो है जब ये काउंसलिंग होने लगा तो मेरिट बहुत हाई चली गई, मेरिट का कोई अता पता ही नहीं रहा कि मेरिट जा कहां रही है, आसमान छू गई, कितने लोग आ गए। पेपर में उस समय रहता था कि 112 नंबर तक केवल जो है 30,000 लोग हैं, लेकिन जो है 12 नंबर तक मेरिट ही नहीं गिरी, कहां से इतनी धांधली हुई, कैसे हुई, कोई नहीं समझ पाता था। रातों रात मेरिट बदल जाती थी, रातों रात काउंसलिंग होती थी, इतनी फर्जी मार्कशीट बन गई, एक एक कैंडिडेट कई कई जिलों में आज भी नौकरी कर रहा, उसका नाम कई जिलों में चल रहा है, वही आज सब पकड़ा रहे हैं। तो इस तरह की रिटर्न आर्गुमेंट जा रहा है। अब रही बात दूसरे, अब एसएम की तरफ से क्या जाएगा,
यसियम के ये तो हो गया बीएड वालों के तरफ से या बीटीसी वालों के तरफ से जा रहा है। अब रही बात बीटी और यसियम की तरफ से क्या जाएगा, यसियम के तरफ से एक ही जो है बेस पॉइंट है यसियम जो लेकर के जाएंगे। यसियम अपना जो रिटर्न आर्गुमेंट ये देंगे कि माई लाड आपने ने कहा था कि जो है कॉन्सिक्यूटिव वैकेंसीज दो लगातार वैकेंसी जो है आपको उसमें मौका दिया जाए और आपको जो है उसमें जो है जो वेटेज है या एज रिलैक्सेशन है उसमें आपको रखा जाए और जो इनसे बचे हुए पद है उनको दो भर्ती में लगातार निकाल करके उन्हीं पदों को निकाल करके आप भर्ती करो। अब ये रही बात तो शिक्षा मित्रों के, अब शिक्षा मित्रों के साथ बीटीसी भी आ गया तो बीटीसी को भी मौका मिल गया 68,500 में। 68,500 में कोई दिक्कत नहीं थी, 69,000 का जो है भर्ती आई तो सरकार ने कहा 68,500 सेम हो जाएगा तो 500 हम बढ़ा देते हैं कि क्योंकि ये भर्ती अलग हो जाए उससे। तो 69,000 की जब भर्ती आई तो उसमें बीएड वाले भी शामिल कर लिया गया, बीटीसी वाले भी आ गए और सारे लोग हो गए। तो सरकार पहले बताई नहीं कि मतलब मेरिट हम कितना रखेंगे, क्या कट ऑफ हम रखेंगे, पहले हो रहा था निगेटिव होगी पॉजिटिव होगी क्या होगा कुछ उसने बताया नहीं। परीक्षा होने के बाद इनको ज्ञान हुआ कि नहीं अब कट ऑफ लगाना चाहिए तो हाई कट ऑफ उन्होंने लगा दिया और हाई कट ऑफ बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत हुई, यही नहीं है कि एसएम के साथ ही दिक्कत हुई, दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ हुआ क्योंकि सभी लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है शिक्षा मित्र बेटे पा जाएंगे तो उनकी भर्ती हो जाएगी। हाई कट ऑफ था ही नहीं, कोई कट ऑफ की चर्चा नहीं थी, बहुत सारे लोग उस तरह की तैयारी कर रहे थे कि टलने वाला स्टे होने वाला उसमें भी चला गया। दो एक दिन बाद में ये होने लगा कि नहीं जो है कट ऑफ रहेगा नहीं तो लोग बहुत कम ही तैयारी किए, बहुत सारे लोग ऐसे किए। अब इसमें एसएम की दिक्कत आ गई कि एसएम के लिए जो है हाई कट ऑफ हो गया और वही जज महोदय भी ने कहा कि इट इज वेरी हाई कट ऑफ फॉर शिक्षा मित्र, तो शिक्षा मित्रों के लिए वेरी हाई कट ऑफ है। अब उनके लिए क्या रिलैक्सेशन देती है और उसमें उसमें कहा गया था वो ऑर्डर में है 25 जुलाई 2017 के ऑर्डर में लिखा है कि इनको दो मौका दिया जाए, दो वैकेंसी में दिया जाए जब उनको बेटेज भी मिलेगा क्योंकि जो है किसी के साथ अगर बीटीसी के साथ वो आ रहा है तो उसको बेटेज दे करके उसको वैलेंट किया जाए। लेकिन बट यहाँ हाई कट ऑफ लगा के उनको रोक दिया जाएगा तो कैसे बेटेज मिलेगा क्या मिलेगा ये सब लगाएंगे शिक्षा मित्र सारे लगाएंगे। और आनंद कुमार का जो है, आनंद कुमार यादव का जो है उसमें केस चल रहा था 25 जुलाई को तो उसी को बेस बना करके ये अपना पूरा जो है आर्गुमेंट एसएम डालेंगे। इसमें यही डालेंगे कि माइलार्ड यहाँ पे ये पोजीशन है, इनके साथ भी ललित साहब थे, इनके साथ भी ललित साहब थे तो ललित साहब का ही ऑर्डर है, दूसरे का ऑर्डर तो है नहीं, ललित साहब ने ही ऑर्डर दिया था। लास्ट में दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस जो बन गए तो ललित साहब का भी ऑर्डर हुआ और ललित साहब ने कहा कि जो है इनको जो है वेटेज दिया जाए और लगातार दो भर्तियों में इनको सम्मिलित किया जाए। जब दो भर्तियों में सम्मिलित करने की बात हो गई तो अगर इनको मार्क्स कम नहीं होगा और हाई कट ऑफ रहेगा तो इनको वेटेज मिलेगा नहीं तो लाभ मिला कहां, तो जो आपने क्राइटेरिया लागू किया था उसका लाभ नहीं मिला। तो इनके तरफ से आर्गुमेंट ये होगा कि माय लॉर्ड आप ही के बेंच में आप ही के फैसले को ये लोग मान नहीं रहे हैं और ये लोग आप ही के फैसले को इग्नोर करते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब कोर्ट इस पे भी मंथन करेगी। अब तीसरी बात ये आ रही है कि जज सरकार ने ये कहा कि हमारे पास 50,000 सीटें 51,350 सीटें उन्होंने अपना एफिडेविट में लगा दिया कि हम इतनी सीटें के वैकेंट अभी हमारे पास सीटें हैं, साल 10,000 रिटायर हो रहे हैं तो हम उसको सम्मिलित कर लेंगे। हम सरकार से एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, जब आपके पास इतनी वैकेंसी थी तो तत्काल आपको भी निकाल देना चाहिए था, 69,000 आपने निकाला, 51,000 आप और निकाल दिए होते कंटिन्यू हो जाती या आप उसी प्रोसेस में जोड़ दिए होते। जिस प्रकार हाई कट ऑफ आप लगाए तो आपको ये उम्मीद हो गई, सरकार से कह रहे हैं सभी लोग इसको भी डाले कि यदि आपको ये पता हो गया कि हमारे पास 51,000 सीट खाली है तो जब हाई कट ऑफ आप लगा रहे थे तो हाई कट ऑफ बाजार जो है 51,000 या 1,00,000 सीटें को 70,000 सीटों को और ऐड कर दिए होते। जो लोग पास हो जाते हैं जिस प्रकार टेट का मेरिट है, जैसे टेट में भी तो 90-82 के लोग पास ही होते हैं तो उसी के आधार पर आपको करना चाहिए था। क्या जो टेट पास है वो क्वालिफाइड नहीं है या क्वालिफाइड नहीं है या उसे क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है, प्रश्न यहाँ भी तो बनता है। जब वो टेट पास करता है परीक्षा पास करता है तो उसके ऊपर भी तो प्रश्न लग जाएगा। जब आपने कहा हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो क्या टेट की परीक्षा 90 और 82 जो अंक लड़का पाता है क्या उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो उसके अंदर क्या ऐसी कमी हो गई कि 90 और 82 में क्या दिक्कत आ गई कि आप कह रहे हो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो। एक तरफ जो टेट लोग पास होके आ रहे हैं तो उसको क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है,
तो इसके मतलब उसको भी हाई कर दो आप। जब आपको ये पता चल जा रहा कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, तो टेट में जो 90 पा रहे हैं या 82 पा रहे हैं उनको भी फेल करके उनकी भी हाई कट ऑफ लगा दो। तो इस तरह की दोनों तरह भ्रांतियां सरकार पैदा कर रही है। हम दोनों तरफ से एक बात कर रहे हैं, हम ये नहीं है कि एक पक्षीय बात कर रहे हैं। अब आते हैं जज महोदय के, तो ललित साहब सुनते तो सबकी है, करते अपने वाले ही करते हैं। रिजल्ट में वो क्या करेंगे, वो सरकार के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि हमको करना क्या है क्या नहीं करना है। बस एक ही फायदा मिल सकता है, दोनों तरफ की हम चर्चा कर दिए हैं, अब निष्कर्ष आप स्वयं निकाल सकते हैं, पढ़े लिखे आप स्वयं हैं, निष्कर्ष क्या निकल सकता है क्या नहीं निकल सकता आप स्वयं पढ़े लिखे हैं। लेकिन सरकार के तरफ ज्यादातर जो है ललित साहब का झुकाव अक्सर उनके तरफ रहा है, अक्सर जो सरकार कहती है उसी की बातों को ये मान लेते हैं, उसको सुपरसीड बहुत कम ही करते हैं। बहुत कम ही केसेज में देखा गया है कि ललित साहब सुपरसीड किए हों सरकार को, बहुत कम ऐसा हुआ है कि टाइट होके ऑर्डर दिए हों, जल्दी ऑर्डर ही नहीं देते हैं। अब क्या होने वाला है, दोनों तरफ की आर्गुमेंट इसी तरह जा रही है। अब शेष जो है बातों को कल बताएंगे। जो साथी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।